नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में। हैमस्टर कॉम्बैट जो है, जो अभी लिस्ट होने जा रहा है, तो उसका प्राइसिंग क्या होगा, अप जाएगा डाउन होगा, और मुझे लगता है कि ये 110% जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वैसा होने वाला है। तो आज हम एक प्रैक्टिकल जो पास में हो चुका है उसको एग्जाम्पल लेकर, रेफरेंस लेके, आज हम आपको पूरी प्राइसिंग किस तरह से अप जाएगी डाउन जाएगी वो समझाने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको जो जो चीज जाननी हो, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सब चीजें हम डेवलप भी करते हैं और इसके एनालिसिस भी करते हैं, और वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो जो लोग आपको लगता है कि ये जरूरतमंद है, उन सबको आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हो। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हैमस्टर कॉम्बैट जो है उसका प्राइसिंग बढ़ेगा या कम होगा। देखो, एग्जाम्पल लेने से पहले हम आपको बता दें कि अभी हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं जो इंडिया में प्रोफेशनली चल रहा है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या आता है? आईपीओ आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आते हैं, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल, हमने एसबीआई का आईपीओ का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब जब भी आईपीओ आता है तो समझो ये पूरी दुनिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है सबसे बड़ा जो गोला है, इसको अवेयरनेस जोन कहते हैं। अवेयरनेस जोन का मतलब ये है कि इतने सारे लोगों को पता है कि भाई इस कंपनी का आईपीओ आया है, ठीक है। तो आपका जोन वन अवेयरनेस जोन, जिसमें 100% लोग हैं जिसको पता है कि ये आया है, ये वो लोग हैं जिनको पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। अब ये जो सेकंड जोन है, ये है जोन टू। ये ऐसे हैं जिनको पता है कि ऐसा आईपीओ आया है, बट वो परचेज करने के लिए रेडी है। इसको परचेजर भी कहते हैं, कि ये रेडी है, इनके पास 15,000 है आईपीओ भरने के लिए, तो ये रेडी है परचेज करने के लिए, उन्होंने अप्लाई किया है आईपीओ के लिए, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, ये जोन थ्री में आते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल होल्डर होते हैं, मतलब यहाँ पे इन सब लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, बट इसमें से सिर्फ इतने लोगों को ही आईपीओ मिला है, ओके। तो ये 100%, तो ये हम मानते हैं करीब करीब 50% लोग ऐसे हैं जिनको आईपीओ खरीदना है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको आईपीओ लगता है, सबको आईपीओ नहीं लगता है, ठीक है। अब जैसे कि जब ये आईपीओ आया था तो उसकी वैल्यू 100 रुपये थी, ठीक है, 100 रुपये की वैल्यू थी। जब आईपीओ कोई भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुआ, चाहे बीएससी या एनएससी, कहीं पे भी लिस्ट हो रहा है, तो लिस्ट होने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 200 रुपये हो गई, मतलब कि 100% पंप के साथ आया है। बहुत रेयर ऐसे आईपीओ होते हैं जो इतना अच्छा पंप मिलता है, बट हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा आईपीओ है और 100% पंपिंग के साथ आया है। तो अब यहाँ पे जो 5% लोगों के पास जो फंड था 100 करोड़ का, ठीक है, वो कितना हो गया? डबल हो गया, तो वो हो गया 200 करोड़। ध्यान से समझना, ओके। तो ये 5% जो था वो कितना हो गया? एसेट की वैल्यू डबल हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो लिस्ट होगा ना, तो मार्केट में क्या है, 200 करोड़ है जो लोग सेल कर सकते हैं, बट इसमें से क्या होगा, ये जो 50% लोग जो आईपीओ खरीदने के लिए आ रहे थे, वो लोग जो है वो भी एक बार आईपीओ लिस्ट होने के बाद खरीदने आएंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 200 करोड़ का सेलिंग हो रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 50% में से करीब करीब 40% लोग जो है वो खरीदने आएंगे, और ये 100% जिसको अवेयरनेस है उसमें से भी 10-20% आएंगे। मतलब कि यहाँ पे 200 करोड़ का, देखो सब लोग यहाँ पे सेल नहीं करने वाले, ठीक है, यहाँ पे 50 से 70% लोग ही सेल करेंगे। मैं कहता हूँ कि लॉन्च होते ही 100 करोड़ का अगर सेलिंग आ रहा है ना, तो उसमें से समझो कि यहाँ पे 300 से लेके 500 करोड़ तक का बाइंग आएगा। मतलब कि जितना सेल होगा ना, उससे ज्यादा बायर्स मार्केट में ऑलरेडी है, क्योंकि ये जो 5% लोग जो थे ना, तो अभी 95% लोग बचे हैं जो खरीद सकते हैं, और जिसको खरीदना है उसमें से हम कहते हैं कि 50% लोग खरीदेंगे ना, फिर भी यहाँ पे 5% के सामने 50 लोग बायर्स ऑलरेडी मार्केट में खड़े हैं, इसलिए कोई भी आईपीओ जो है वो मार्केट में इस तरह से डंप नहीं हुआ है, ओके। अब हम जानते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा जी, किस तरह से आईपीओ चलता है। अब समझिए हैमस्टर कॉम्बैट, जितने लोगों को पता है कि हैमस्टर कॉम्बैट नंबर कुछ ना कुछ है, उन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ओके। डाउनलोड करने के बाद उन्होंने टैप करना चालू किया, और वहां पे जो जोन वन है ना, जोन वन जो 100% है, वही आपका होल्डर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये जो जोन थ्री जो है, जोन थ्री जो है वो होल्डर था सिर्फ 5% वाले, मतलब 100 में से 5% लोगों के पास ही वो आईपीओ का
का इनिशियल आईपीओ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके पास ही ये स्टॉक्स थे, बाकी के 95% लोगों के पास उसके स्टॉक नहीं थे जिसको खरीदना था, इसलिए वहां पे सामने बायर्स थे। हैमस्टर कॉम्बैट में क्या होगा, 100% जिसको पता है ऑलमोस्ट सब लोगों के पास हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन है। अब अगर 100% लोग जिसको अवेयरनेस है उनके पास ही अगर ये टोकन है तो जब वो लिस्ट होगा तो इस तरह के कोई लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जो जोन टू वाले हैं जिसको परचेज करना है और जोन थ्री वाले हैं जो होल्डर है, एक्चुअली यहाँ पे जोन वन वाले ही 100% होल्डर है। अब समझो मार्केट में सब लोग, ये लोग क्या करेंगे, अब इसमें से 70% लोग जो है वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब मार्केट में 70% सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 80% से ज्यादा का बाइंग प्रेशर आना चाहिए जो अपने पास है। तो मुझे ये लगता है कि हैमस्टर कॉम्बैट जो है अगर वो लिस्ट हो रहा है ना तो उसकी प्राइस 110% डंप होने वाली है। ध्यान रख लो 100% डंप ही होगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर लॉन्च होने का अगर डंप ना हो तो वीडियो पे आके डिसलाइक मार देना। ओके, तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगा वो आप एक बार अपनी राय जरूर दीजिए। ओके, कमेंट में आप दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपकी राय जान के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।